आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम कंसिस्टेंट कैसे रहें यार प्लानिंग तो सब कर लेता है बट उसको पहले दिन भी फॉलो कर लेते हैं दूसरे दिन भी फॉलो कर लेते हैं बट विद टाइम हम क्या करते हैं हम उसको फॉलो नहीं कर पाते लाइक दिस इज वॉट वी से हम कंसिस्टेंट नहीं रह पाते तो हम क्या करें कि हम कंसिस्टेंट रह ले ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ठीक है बट बिफोर दैट आई वॉन्ट यू ऑल टू लिसन दिस कोट द ग्रेट लेजेंडरी बॉक्सर मोहम्मद अली सेड मुझे अपने ट्रेनिंग के हर एक मिनट से नफरत थी लेकिन फिर भी मैं खुद से कहता था डोंट क्विट सफर नाउ एंड लाइव द रेस्ट ऑफ योर लाइफ एज अ चैम्पियन तो आप देख रहे हो जो हमारे लीजेंडरी बॉक्सर हैं उनको भी ये दिक्कत होती थी कंसिस्टेंट होने में या कंसिस्टेंट रहने में तो ऑब्वियसली यार सबको होगी है ना द थिंग इज़ आई जस्ट वॉन्ट टू मेक यू क्लियर कि जो कंसिस्टेंट वाली दिक्कत है ना ये कितने भी बड़े आप चैंपियन हो सबको फील होती है ठीक है सो यू आर नॉट स्पेशल वन जिसको ये प्रॉब्लम बार बार हिट कर रही है जिसको ये प्रॉब्लम बार बार हो रही है यू आर ऑल्सो नॉर्मल ह्यूमन बींग जस्ट लाइक अदर्स और वो प्रॉब्लम है ठीक है और वो होंगी ठीक हाँ उससे डील कर सकते हैं अपन और कैसे डील करना है वो हम आज के इस वीडियो में जानेंगे सो हे गाइस दिस इज प्रिया शर्मा फ्रॉम एनआईटी जमशेदपुर और आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे हाउ टू बी कंसिस्टेंट ठीक है कंसिस्टेंट कैसे बिफोर वी स्टार्ट आई वॉन्ट टू टेल यू ऑल कि हम कंसिस्टेंट रह क्यों नहीं पाते तो उसके पीछे कुछ स्पेसिफिक रीजन है द फर्स्ट वन इज कि हम ना कंफर्ट जोन से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं भाई मतलब कंफर्ट जोन में रहना सबको पसंद है ज़रा मुझे बताओ ठंडी में गद्दे के अंदर कौन लेटना नहीं जाएगा मस्त गद्दे के अंदर पड़े रहो कौन पूछता है मज़ा आता है ना वो आपका कंफर्ट जोन है लेकिन वहाँ पे अपने आप को मेंटली बोलना मेंटली टफ़ हो बोलना कि भाई नहीं मेरे को पढ़ना है दिस इज़ मोर इंपॉर्टेंट फॉर मी इस टाइम पे तो वहाँ पर आप उठते हो और फिर जाके बैठ के पढ़ना ये मुश्किल काम है ठीक है बट उस गद्दे में पड़े रहना काफ़ी ईजी है ठीक है थेके? तो कम्फर्ट जोन को छोड़ना इज़ आसान चीज़ नहीं है ठीक है एंड द सेकेंड प्रॉब्लम इज़ कि हमारा ब्रेन वो चीज़ें करता है जो चीज़ उसे करने में कम एनर्जी लगती है फॉर एग्जाम्पल अगर हम पड़े हुए हैं मतलब मस्त गद्दे में पड़े हुए हैं तो हमारे ब्रेन को ज़्यादा एनर्जी तो लगानी नहीं पड़ रही है उसे तो काम नहीं करना पड़ रहा है वो तो मस्त पड़ा हुआ है ठीक है तो ये चीज़ समझो कि ब्रेन वो काम करना चाहता है वो काम आपसे करवाना चाहता है जिसमें उसकी एनर्जी ना ख़त्म हो बट 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 इफ इन केस यू वॉन्ट टू बी कंसिस्टेंट तुम्हें अपने ब्रेन को समझाना पड़ेगा और सुनो ना ब्रेन को तुम कमांड करो ना कि ब्रेन तुम्हारा तुम्हें कमांड करे आई होप यू अंडरस्टैंड वॉट आई मीन टू से ठीक है तो यहां पे इस वीडियो में हम चार ऐसे टिप्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिसको अगर हम फॉलो करते हैं तो हम कंसिस्टेंट रह सकेंगे ठीक है सो द फर्स्ट सो द फर्स्ट टिप इज कि यार देखो रियलिस्टिक टारगेट लो ठीक है टेक रियलिस्टिक टारगेट मतलब ये रियलिस्टिक अचीवेबल या फिर डुएबल टारगेट लो अब ऐसा हमार टारगेट ले लो कि यार मतलब तुम जोश में आ गए एंड देन यू जस्ट सॉ कुछ स्ट्रेटजी वीडियो एंड देन तुम डिसाइड करते हो कि ठीक है एक हफ्ता में पूरा मैथ्स कर लेंगे यार एक हफ्ता में मैथ्स का दस चैप्टर कर लेंगे ऐसा नहीं होता रियलिस्टिक टारगेट लो ठीक है वो टारगेट अचीवेबल भी होना चाहिए ऐसा अगर तुमने बहुत ज़्यादा था प्लान कर लिया तीन बजे से साढ़े तीन बजे तक ये रिवाइज़ करना है साढ़े तीन से साढ़े चार इतना तीस क्वेश्चन लगाना है भाई अभी तो तुम स्टार्ट कर रहे हो एक घंटे में तीस क्वेश्चन लगाना इज नॉट ईजी फॉर यू मे बी इट इज़ बट जनरली इन नॉर्मल केस ईजी नहीं होता ठीक है तो तुम एक रियलिस्टिक टारगेट लो तुम गोल सेट करो ना कि लाइक ऐसा मत सेट करो कि दो घंटे में हमें ये साठ क्वेश्चन लगाने रेदर देन दिस यू टेक की आज पूरे दिन में हमें ये इस पर्टिकुलर चैप्टर से तीस क्वेश्चन लगाने इस चैप्टर से तीस क्वेश्चन लगाने अब तुम बैठ के उसे लगाओ ठीक ये मत सेट करो कि तीन से पाँच में हमें ये तीस क्वेश्चन लगाना ही लगाना है मे भी कोई क्वेश्चन ऐसा हिट कर गया हो तुम्हें जो कि तुम्हें नहीं आ रहा है बट वो क्वेश्चन अच्छा है ठीक है तो उसमें तुम टाइम दो वापस से अच्छे से करो सॉल्व मे भी तुम्हें कुछ उससे खुद से सॉल्व करके कंसेप्चुअल क्लैरिटी काफ़ी अच्छी हो जाए ठीक है तो कहने का सिंपल सा ये सेंस है प्रॉपर अच्छे से रियलिस्टिक टारगेट लो ठीक है जिसको तुम अचीव कर सको ठीक है अब ऐसा ही एकदम लुल्लू -लु -लु पुल्लू सा टारगेट ले लो कि पांच क्वेश्चन लगाना है ऐसा नहीं मतलब ऐसा लो जिसको करके तुम्हारे में इम्प्रूवमेंट भी हो और जो कि डुएबल हो ठीक है फाइन उसके बाद हम बात करते हैं हमारा सेकेंड पॉइंट क्या है स्टॉप प्लानिंग स्टार्ट टेकिंग एक्शन मतलब तुम्हें भी पता है और हमें भी पता है कि अगर सिर्फ हम प्लान करते रहेंगे तो हमें कुछ नहीं मिलने वाला है ना ऑन पेपर तो बहुत कुछ है लाइक मे भी तुम लास्ट दो साल तीन साल से कुछ कुछ लोग तो चार साल से भी प्लानिंग कर रहे हैं कि मंडे को ये पढ़ना है ट्यूजडे को ये पढ़ना है ये मौक़ देना है वो करना है भाई साहब तुम सिर्फ प्लान करते रहते हो पढ़ाई कौन करेगा बोलो रैंक किसको चाहिए कॉलेज किसको चाहिए तुमको तो पढ़ाई कौन करेगा तुम इज इट सो द थिंग इज स्टॉप प्लानिंग स्टार्ट डूइंग इन द सेंस कि एक्शन करना स्टार्ट करो मतलब सिंपल सी चीज़ ये है कि पढ़ना स्टार्ट करो क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करो सिर्फ लेक्चर ही मत देखो ठीक है अब इसमें नहीं आ है हमें टू मिनट रूल फॉलो कर सकते हैं ये टू मिनट रूल क्या है ये कहता है कि लट से तुम्हारा पढ़ने का मन नहीं कर रहा है ठीक है तो तुम फिर भी अपने टेबल पे थोड़ा मेंटली टफ होके दिमाग को समझा के बैठो एंड देन बस बोलो कि सिर्फ दो मिनट पढ़ना है ठीक है ये दो नंबर देखे तुम कुछ और सोच रहे हो गे बट यहाँ पे हम दो मिनट पढ़ने की बात करें ठीक है तो सिर्फ दो मिनट पढ़ना है ठीक बैठो दो मिनट और तुम्हें दो मिनट ध्यान से पढ़ना है और फिर ना दो मिनट पढ़ने के बाद तुम्हारा अपने आप मन करेगा कि ठीक है यार इसको कंटिन्यू करके 25 मिनट तक इसको स्ट्रेच मार लेते हैं ठीक तो सिंपल सा चीज़ ये है कि एटलीस्ट बैठो और स्टार्ट करो क्योंकि स्टार्ट करना ही सबसे मुश्किल होता है ठीक है अगर तुमने स्टार्ट कर दिया तुम रजाई गद्दे के अंदर थे वहां से तुम्हें उठ के आना होगा अपने टेबल पे बैठना होगा कॉपी किताब खोल के बैठना होगा और दो मिनट तुम्हें सिर्फ पढ़ना है तो दिमाग को लग रहा है सिर्फ दो मिनट पढ़ना है लेकिन है तो अच्छा खासा का काम मतलब तुम्हें वापस आके वहां बैठना होगा क्योंकि वही मेन मेहनत है गद्दे से निकलना और चेयर पर बैठना ठीक अब तुम बैठ गए और दो मिनट पढ़ रहे हो तुम्हारा मोमेंटम मेंटेन हो चुका है अब उसको कंटिन्यू करना कुछ मुश्किल नहीं है तुम बोलोगे ठीक है यार पढ़ ही लेते हैं बैठ गया टेबल पर वापस यहाँ से उठ के कौन जाएगा बगल में है ना तो इसलिए एटलीस्ट स्टार्ट करो दो मिनट ठीक है और उसको फिर ऑब्वियस ही चीज़ है उसको कंटिन्यू रखो एटलीस्ट ट्वेंटी फाइव मिनट का स्ट्रेच लो ठीक अब हम बात करते हैं हमारे थर्ड टिप के है। रुको अगर वीडियो में अभी तक हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि तुम्हें तो पता है तुम्हें तो, तो पता ही होगा चैनल को सब्सक्राइब तो करते नहीं हो वीडियो देख के चले जाते हो तो यार सब्सक्राइब कर दो हमें भी कंसिस्टेंट रहने के लिए मोटिवेशन चाहिए होता है कंसिस्टेंटली यूट्यूब पर वीडियो डालने के लिए मोटिवेशन चाहिए होता है भाई तो सब्सक्राइब कर दो थर्ड टिप इज रिपीट 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 ठीक है अगर जे के टर्म्स में बोले तो प्रैक्टिस 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 या फिर बोल सकते हो प्रैक्टिस रिविजन प्रैक्टिस ठीक क्या मतलब है मतलब बड़ा सिंपल सा है कि प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो मतलब ये कि तुमने एक बार चैप्टर पढ़ लिया अब उसको छोड़ो मत उसकी प्रैक्टिस करते रहो ठीक है अब यार देखो हम अगर सिंपल सी बात करें तो कुछ टाइम बाद तुम्हें वो चीज़ बोरिंग लगने लगेगा तो मान लेते हैं तुम्हारा इंटरेस्ट है पिज्जा खाना ठीक है मतलब इंटरेस्ट इन न, तुम्हें मजा आता है पिज्ज़ा खाने में तुम्हें अच्छा लगता है तो अगर तुम दो तीन महीने तक ना डेली पिज़्ज़ा खाते रहोगे ना तो कुछ टाइम बाद ना तुम्हें पिज़्ज़ा खाने का मन नहीं करेगा वो भी तुम्हें बोरिंग लगने लगेगा है ना सिंपल सा चीज़ हम ये कहना चाहते हैं कि जो आपको सबसे इंटरेस्टिंग टास्क लगता था अगर आप उसको थोड़ा टाइम तक कंटिन्यूअसली करते हो कंसिस्टेंटली करते हो तो वो बोरिंग लगने लगता है तो एक ऐसा टास्क जो आपको ऑलरेडी बोरिंग लगता है उसको अगर आप करोगे लंबे टाइम तक तो वो तो स्टार्टिंग में ही बोरिंग लगने लगेगा इसका मतलब ये कि चैलेंजेस तो आने वाले हैं बट आपको अपने आप को पहले से ही रेडी रखना उस चीज़ के लिए है ना लाइक like, तुम्हें पहले से रेडी रहना है कि भाई ठीक है अपने को ये चैलेंजेस आने वाले अपने को पता है कि ये सारी चीज़ें हम आएँगी लाइक like, हमको पता है हमको बोरिंग बोरियत लगेगी हमको पता है हमको पढ़ने का मन नहीं करेगा हमको पता है यार दिमाग बोलेगा थोड़ा सा और आराम कर लो बट उस टाइम पे यू हैव टू थिंक कि यार ये सारे चैलेंजेस तो मैंने पहले ही इमेजिन कर लिए थे और मुझे पता था ये चैलेंजेस आएंगे बट तुम्हें उस टाइम पे उठना होगा राइट तो तुम्हें बेसिकली मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करना होगा अपना माइंड सेट प्रिपेयर करना होगा कि चाहे कैसा भी लगे एक भी दिन गैप नहीं जाना चाहिए ठीक है थीके? तो अगर तुम अपने आप को मेंटली टफ बना लोगे माइंड सेट क्लियर कर लोगे तो तुम आराम से चीज़ अचीव कर सकते हो ठीक है एंड द फोर्थ और द लास्ट स्टेप इज कि स्टार्ट वर्किंग मतलब भाई करो तुम ही को करना है ठीक है तुम ही को करना है लाइक वट एवर कुछ भी बोल दें हम है ना कुछ भी वीडियो बना दे कितना भी आपको गाइड कर दे कुछ भी कर दे एट द एंड अगर तुम नहीं चाहोगे तो कुछ नहीं होने वाला इवन एम इवन इफ तुम वहाँ से उठ के चेयर पे बैठ गए दो मिनट पढ़ लिए बट नाउ यू आर लाइक कि ठीक है दो मिनट कर लिया अब उठते हैं तो तुम उठ जाओगे है ना तो तुम्हें पता है कि अगर तुम्हें पढ़ना है तो तुम्हें खुद के अंदर से मोटिवेशन आना चाहिए कि येस आई हैव टू डू दिस एंड दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क एज ऑफ नाउ ठीक है तो ये चीज़ क्लियर होनी पड़ेगी ठीक है तो यार ये छोटी सी वीडियो थी अगर कुछ भी डाउट है या फिर किसी भी टॉपिक से रिलेटेड तुम्हें तो वीडियो वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करो एंड लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन कोई भी प्रॉब्लम है आपको तो प्लीज़ बताओ एंड यस yes, वीडियो को सब्सक्राइब कर दो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बाय